सारी बातें मेरी पूर्व वक्ता ने आपको कही। मुझे प्रसन्नता है कि आज पशुपालकों के साथ में आपसे बात करने का अवसर मिला। जैसे आप जानते हो कि पहली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था तो हम लोगों ने किसानों का सम्मान करना शुरू किया और इस बार हम लोगों ने पशुपालकों का भी सम्मान करने का राज्य स्तरीय प्रोग्राम शुरू किया है। इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार हमारे किसान और पशुपालक का क्या महत्व है समाज के लिए, क्या उनकी भूमिका है आम लोगों के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने पहली बार 2 रुपये किलो प्रति लीटर और अब 3-5 रुपये प्रति लीटर जो अनुदान दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। मैं समझ के परे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो स्कीमों को बंद क्यों करती हो? पब्लिक के अगर हित में हैं वो स्कीमें बंद करने का मेरे समझ के परे हैं। हम उनकी कोई स्कीम बंद नहीं करते। अगर सरकार हमारी बन गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई फैसले हो गए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, हम कोई फैसला बंद नहीं करते। ERCP योजना है 13 जिले के पीने के पानी की, वहाँ ईस्टर्न राजस्थान की, हम 13,000 करोड़ रुपये हमने रखे वहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए। मांग करते हैं PM से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, जैसा वादा किया था, अलग बात है, पर काम भी हम आगे शुरू रखते हैं। और पता नहीं क्यों बंद कर दिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध का। अभी लंबी लोग आया था, आपने सुना, अभी 40,000 रुपये किसी ने मांग नहीं करी थी। दिल्ली लोग ठीक कह रहे थे, किसी ने मांग भी नहीं करी साहब हमें लंपी में हमारी गाय मर गई है, पशु मर गया, इसको आप कोई इमदाद करो। हमने 40,000 रुपये डिक्लेयर किए असेंबली के अंदर। बाद में सुप्रीम कोर्ट का मैंने देखा निर्णय, उन्होंने कहा कि सब राज्यों को केंद्र को लंपी में मरने वाले पशुओं के लिए इमदाद करनी चाहिए, और हमने आगे के लिए बीमा कर दिया आपके हर 2 पशु का 40,000 रुपये का 1 पशु का। वो बीमा की जो किस्त है वो भी सरकार भरेगी, आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ये हमने किया। अभी तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार के फैसले हमने किए हैं वो आपकी जानकारी के अंदर है। आप देखिए 5 साल में BJP की सरकार ने गौ माता के लिए, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं गौ माता की, विभाग बनाया, मैंने बनाया, निदेशालय बनाया, गायों का अलग, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था, गौशालों को अनुदान दे रहे हम लोग सब जगह। गाय माता की बात करने ये राजनीति करते हैं BJP वाले, हम सेवा करते हैं। आप देख लीजिए मेरे पास आंकड़े हैं, 5 साल में इन्होंने 150 करोड़ रुपये मुश्किल से दिए हैं, 150 करोड़। और हमने अभी 4 साल में 2,313 करोड़ रुपये खर्च किए हैं गौशालाओं के लिए। बताइए आप कितना बड़ा फर्क है, ये चाहते क्या है, गुमराह क्यों करते लोगों को धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर? महंगाई का जमाना है, हमारे महंगाई राज से चल रहे हैं, अब हमारी बहनें माता बेटे बैठी है, गारंटी कार्ड दे रहे हैं हम लोग, 10 स्कीमों का दे रहे हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आप बताइए इस प्रकार से हम लोगों ने 25 लाख का बीमा कर दिया आपका, इलाज का फ्री इलाज हो रहा आपका। इतने में कहना चाहूँगा हर पंजाबी नंदी थाना खोली जा रही है और 100% मतलब 12 महीने का अनुदान देगी सरकार।